गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करती हूँ आपकी जो ठंडे वाले दिन होंगे बहुत अच्छे से कट रहे होंगे। तो अभी बस ये नेल कटर वगैरह काट रहे हैं, और वहाँ पे सामने आप देखा करते थे ना, तो वो सारा मैंने अभी निकाल दिया है। और ये देखिए हमारे ये 1 2 3 4 4 बैग तैयार हैं। मैं आपको किचन का चल के दिखाती हूँ, किचन में क्या हाल है। किचन में ये पूरे काउंटर में भरना है, और सारा सामान गैस वास रह जाएगी क्योंकि शाम को हम खाना यहीं से बना के लेकर जाएंगे। और नीचे पूरा खाली हो गया है, टोकरी मोकरी डिब्बे वगैरह। तो हम सोचा जो आंटी आती हैं बर्तन वाली, हम उनको दे देंगे, और मैं इनसे ही चर्चा करें कि अब और कोई कितना भी बोलेगी 1 घंटे रुक जाओ तो अब नहीं रुकने वाले। ये कुर्सी हमने मतलब यहीं पे नीचे दुकान में बेच दी है, मतलब 150-200 रुपए की गई है। वो अपना जिंदगी मिला भी लेकर जा रही हूँ। अभी यहाँ पे एक बार झाड़ू पोछा एक बार कर देंगे। खाना मेरा समथिंग खाना और नाश्ता बन चुका, एक साथ ही बना लिया था। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना है, मतलब शंकर जी का मंदिर है हॉस्पिटल के पास। मैं आपको वो भी बताऊँगी कि वहाँ पे मैंने जब हम शुरू में आए थे अगस्त में, नहीं उसके पहले भी जब हम जांच कराने थे, तो मैंने ये बोला था कि भगवान मेरा सब कुछ अच्छा होगा, जब यहाँ से मैं स्वस्थ होकर लौटूंगी तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो बस मेरी एक मन में श्रद्धा है, तो शंकर जी के मंदिर जाऊँगी। हालांकि कल हम हॉस्पिटल गए थे, पर मेरे हस्बैंड ने बोला जिस दिन अपन जाएंगे उसी दिन अपन यहाँ पर आएंगे। तो अभी हम वहाँ पर जाएंगे 4-5 बजे। तो ये देखो सारे बैग, मुझे नहीं आ रहा कहाँ से पैक होगा। चलो फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं, तुम भी आया लो कर दो। पीना बना रही हूँ, जो कि अभी सुबह का खाना बना रही हूँ, एक बार शाम का बनाऊंगी। और वो बर्तन रख लिए हैं जिनका यूज़ नहीं होना है, और थोड़ा बहुत आटा वगैरह बचे का, शक्कर बचे की, मतलब सारा सामान मुझे लगता है कि क्योंकि लास्ट लास्ट ही है, तो ये सब वो आंटी को दे जाएंगे। और बस यही है, एक्साइटमेंट खूब है, बहुत है। और ये आप लोग कहते हो ना कि जल्दी जल्दी काम करती हूँ, तो मैं ना स्पीड बढ़ा देती हूँ ताकि आप लोग बोर ना हो और मेरा वीडियो भी मतलब आप लोग देख लें अच्छे से। हालांकि कोशिश करती हूँ मैं कि कम आराम से काम करूँ, पर मेरे उसमें हैबिट में है ना, और ये आप लोग सही कहते हैं, मुझे भी लगता है मैं बहुत बार कर लेती हूँ तो बाद में पता चलता है। हालांकि अभी क्या नई उम्र है ना, तो जब करती हूँ तब थकावट नहीं लगती है। हाँ, जब पर सोने के लिए होती हूँ ना, एक जगह बैठती हूँ, करती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ तो थकावट नहीं होती, बट एक जगह बैठ जाती हूँ या लेट जाती हूँ तो थोड़ी हल्की सी थकावट लगने लगती है। और ये मैंने मतलब गोभी की सूखी सब्जी बनाई थी, और दाल बनाई थी, रोटी बनाई थी, और चावल बनाए थे, जिसमें कि मेरे हस्बैंड ने चावल वगैरह नहीं खाए, उन्होंने रोटी सब्जी दाल खाई है। और अभी मेरा खाना पीना बन चुका है, और अभी जस्ट बैठी हुई थी, जब थोड़ा थोड़ा सामान पैक कर रही हूँ, तो अचानक से याद आ जाती है ना कि जब इसके पहले जब हम आए थे, तो मतलब जब मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट किया था, शायद कभी मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी यूट्यूब जर्नी, तो इसके लिए मैं बहुत सोचती थी कि पता नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। और जो मेरी वीडियो देखते हैं, मतलब कि काफ़ी लोग, तो यही बोलते थे कि नहीं हो पाएगा इस चीज़ को लेके। जैसा मेरा क्राउड फंडिंग था लोगों से मदद मांगने का, तो काफ़ी लोग दुखी होते थे कि पता नहीं इसका कैसे है, वह कैसे नहीं। काफ़ी लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि आप सोनू सूद सर के पास जाइए, उनकी तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, खैर ऐसा नहीं, पर मेरे मतलब मेरे सामने ये था कि मैं अपने हस्बैंड को लेकर इस कंडीशन में अकेले कैसे जाऊँगी, क्योंकि मेरे साथ कोई जाने को तैयार नहीं था, है ना। और बस वही है, तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, हार नहीं मानी थी, और
सबसे बड़ी बात पता नहीं मुझ में भगवान क्यों इतनी, मतलब मैं तो कहूँगी भगवान ही शक्ति दे रहा है, आप मुझे इतना सपोर्ट करते हो तो मेरे में शक्ति आ जाती है, ये मुझे नहीं पता। और भगवान, और सबसे पहले भगवान फिर आप मेरी फैमिली, मुझे आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है। और आपको पता है जिस दिन मेरा ट्रांसप्लांट था उस दिन तक मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी, मतलब 17 से मेरे हस्बैंड का प्रोसेस चालू हो गया था डायलिसिस वाला, और मैं खुद 18 को एडमिट हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने दोनों दिन वीडियो अपलोड किया था, प्लस जो थंबनेल टाइटल जो डिस्क्रिप्शन सारा कुछ मैं ही कर रही थी, आप लोगों ने पूछा था पर मुझे अभी ध्यान आया, तो सारा सब कुछ मैं ही कर रही थी, वीडियो बनाना एडिटिंग करना सब कुछ मैं ही, है ना। और जो 19 तारीख थी जब हम ओटी के अंदर जा रहे थे उस दिन तक मैंने मॉर्निंग में, मुझे पता था कि मैं मतलब 8 बजे यहाँ से अपने रूम से निकल जाऊँगी, उसका वीडियो अपलोडिंग मैंने सुबह 7 बजे ही कर दिया था, जो भी 1-2 मिनट का था बट मैंने किया था। और ट्रांसप्लांट की 20 तारीख को मुझे बहुत अच्छे से याद है, आज मैं पूरी वीडियो देख रही थी कि मतलब एक अपनी जो 3 महीने की जो पहले की जर्नी थी वो देख रही थी। तो मैं 20 तारीख को ही मैंने वीडियो अपलोड किया, उस 21 तारीख को भी किया, 22 तारीख को भी किया। शायद मैंने अभी तक कोई गिफ्ट नहीं लिया है, 1-2 लिया हो तो मुझे नहीं पता। वही चीज़ अचंभा हो रही थी कि मुझे यूट्यूब ने, यूट्यूब की फैमिली ने, यूट्यूब के जितने मेंबर्स मेरे साथ थे, शायद अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ तक नहीं होती। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको ही थैंक यू बोलूँगी, है ना। सबसे पहला मेरा कि यूट्यूब सोशल मीडिया ही बहुत अच्छा, सच में एक पावर है। और अगर आप कुछ प्रॉब्लम है तो शेयर कर सकते हैं, इसके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। पर मेरे ख्याल से बहुत से लोग ऐसे हैं जो खुल के नहीं बोल सकते हैं, शायद उनको डर रहता होगा, फैमिली मेंबर सपोर्ट नहीं करते होंगे या फिर वो कुछ और सोचते होंगे। बट मैं भी ये कहूँ कि मेरे फैमिली मेंबर्स में भी कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता था। आई थिंक मुझे मेरे काफ़ी ऐसे अपने लोगों ने बोला था कि यूट्यूब की वीडियो बनाने से कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, मुझे ये भी बोला था कि ये जो पेटीएम गूगल अकाउंट नंबर डाल रही हूँ उससे आज के टाइम में कोई किसी की मदद नहीं करता, 10 रुपये की भी नहीं करेगा। मैं डीमोटिवेट हुई थी बट मैंने हिम्मत नहीं हारी थी, और जो मेरा क्राउड फंडिंग अप्रैल से चालू स्टार्ट हुआ था वो मेरा किडनी ट्रांसप्लांट के 2 दिन पहले आके, और मैं शांत हो गई थी क्योंकि जितना मुझे चाहिए था उतना मेरा अमाउंट हो चुका था किडनी ट्रांसप्लांट के लिए। तो ये है ना। और तब से लेके शुरुआत से लेके मुझे ये बोल रहे थे कि वो वीडियो बना रही है, ऐसी वीडियो बना रही है, उसको शर्म आनी चाहिए ये वो। तो शायद मेरे ख्याल से उनको ये अंदाज़ा भी नहीं था कि पता नहीं मेरी मदद होगी भी कि नहीं होगी। तो कहते हैं ना एक विश्वास होना चाहिए, और पता नहीं मेरे अंदर में ऐसा विश्वास आ ही जाता है कि ये काम ज़रूर मैं करूँगी। तो कहते हैं ना एक जुनून होना चाहिए कि ये काम करना है चाहे कोई कुछ भी कहे। तो जब मैंने YouTube वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था मैंने अपनी रियल जर्नी बताई थी आप लोगों को, और फिर काफ़ी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, आज भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, मेरा मन मेरा विश्वास कहता है कि मुझे आप लोग आगे भी सपोर्ट करेंगे। फटाफट चलो किचन साफ कर लूँ, बातें तो मैं सोचती हूँ कि जैसे ही मुझे याद आती है मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। फिर मिलती हूँ आपसे।